इस सिर्फ एक बैटर से आप लगभग 15 से 20 तरह के नाश्ते बना सकते हैं, चाहे इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, उत्तपम बनाना हो, कई तरह के डिशेस आप बना सकते हैं बिना सोडा बिना इनो डाले। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको देख लिए ना तो बनाकर तुरंत ही रखने वाले हैं फ्रिज में, क्योंकि ये रेसिपी रोज़ आपको काम आने वाली है और आपका काम आसान होने वाला है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए, आपको ये बहुत 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 पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार सी रेसिपी की। तो ये ऑल इन वन बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी। आप कोई से भी घर का कप कटोरी सेट कर ले और उसी से सारी चीज़ें हम नाप कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें डालेंगी, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें एक ही कटोरी या कप से नापना है। तो इसे हम डालेंगे एक बड़े से बर्तन में, और मैंने लिया है उसी कटोरी से नाप करके 3 कटोरी चावल। कोई से भी चावल ले सकते हैं, इडली वाले या फिर नॉर्मल जो आप रोज़ खाते हैं ना, बस वही ले सकते हैं। मैंने वही वाले जो रोज़ खाते हैं ना, वही वाले चावल लिए हैं। 3 कटोरी चावल लिया है, और इसके साथ 1 कटोरी हम डालेंगे इसमें उड़द की दाल। ये बिना छिलके वाली दाल है उड़द की, आप छिलके वाली भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास हो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मैंने 3 कप चावल और 1 कप यहाँ पर उड़द की दाल ली है। इसके साथ ही डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना, और मेथी दाने से क्या होता है, हमारी रेसिपी में बहुत अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बढ़ता है और वो कुरकुरे भी बनते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे। जब तक कि साफ़ पानी नहीं हो जाता ना, तब तक हम इसको धोएंगे। सारा का सारा गंदगी इसमें से निकल जाना चाहिए, इसके लिए 3-4 बार धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको बैटर बनाने के बजाय प्रीमिक्स यानी पाउडर भी बना सकते हैं। क्या करना है, इसको अच्छे से धो लें और उसके बाद थोड़ी देर धूप में सुखा लें, फिर आप इसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं। लेकिन ये जो बैटर है ना, आप इसको लगभग 1 हफ्ते तक सकते हैं, खराब नहीं होते फ्रिज में, और बहुत ही बढ़िया से आप कई तरह के नाश्ते बना सकते हैं। तो मैंने इसको धो लिया है, अब इसको इतना पानी डालना है कि सारा का सारा जो चावल दाल है ना वो अच्छे से डूब जाए और 1 इंच इतना ऊपर पानी रहे, और इसको 5 से 6 घंटे के लिए सोख होने रख देंगे। 5-6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दाल और मेथी के दाने अच्छी तरीके से फूल गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में हो गए हैं। आप इनको हाथों से दबा कर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से टूटने लगेंगे, मतलब ये बढ़िया से फूल गए हैं। हमारे इस बैटर को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें अच्छे से फूली हुई होनी चाहिए, भीगी हुई होनी चाहिए। और अब हमें इनको पीसना होगा, तो इसके लिए एक मैंने छोटा मिक्सी का जार लिया, मीडियम वाला होता है ना वो, एक बार में बड़ा नहीं लेना है। अगर आप बड़े में सारा का सारा मिक्सर एक बार डाल देंगे तो अच्छे से बारीक नहीं होगा, बैटर एकदम बढ़िया से पीस नहीं पाएगा, इसलिए हमें इसको 2 से 3 बार पीसना है, इसलिए छोटे वाले जार का यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छी तरीके से बारीक होने तक पीसना है। ध्यान रहे एकदम महीन होना चाहिए पेस्ट, और पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, बैटर एकदम गाढ़ा होना चाहिए। देखिए मैंने इनको पीस लिया है मिक्सी को रोक रोक कर 3-4 बार, और अच्छी तरीके से एकदम महीन हो गया है। ये देखिए हाथों से उठाकर देखें तो बिल्कुल भी दरदरा सा टेक्सचर नहीं, एकदम स्मूथ हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए हमारी रेसिपी को बनाने के लिए। तो सारे के सारे बैटर को हम डाल देंगे एक गहरी तली वाले स्टील के बर्तन में, स्टील या फिर कांच का ही बर्तन लें, प्लास्टिक का बर्तन यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो बैटर थोड़ा सा फर्मेंट होता है ना तो वो उस टाइप के बर्तन के साथ रिएक्ट करता है। मेटल का यानी पीतल का बर्तन आप मेटल में ना लें, आप स्टील ले सकते हैं या फिर आप कांच के बर्तन का यूज़ करें। चलिए सेम इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम बारीक और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैं ये बैटर 3 से 4 दिन के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना चावल लिया है ना, यानी 3 भाग चावल और 1 भाग दाल हमें लेना है, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैं मिक्सर बना रही हूँ 3-4 दिन के लिए, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन के बाद मैं रेसिपी चेंज करती रहती हूँ और मुझे इतने सारे बैटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप इसको 1 हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, जितनी मात्रा में ज़रूरत हो आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए इस बैटर को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए हाथों से थोड़ी देर के लिए हमें फेट है, कुछ मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें हल्की सी एरिएशन हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चीनी। चीनी से जल्दी फर्मेंट होते हैं और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं 2 डंठल के साथ, एकदम ताज़ी हरी मिर्चें डालिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर चीनी को डालकर अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद हम इसको आराम से ढक देंगे और किसी भी गर्म जगह पर हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। जितने देर के लिए आप रखें उतना ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी बनेगी आपकी। तो मैं इसे 6 घंटे के लिए रख दूँगी, लगभग ओवरनाइट ही रख रही हूँ। तो चलिए अब इसको जब ये फर्मेंट हो जाएगा तब मिलेंगे। इससे पहले बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी जो हमारी रेसिपीज़ को बहुत ऑसम बनाएगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज की चटनी। इसके लिए 1 छोटा सा पैन लिया है और इसमें 1 छोटी चम्मच डाल दिया है तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है ना इसमें डाल दें जीरा और जीरे को अच्छे से क्रकल होने दें। जैसे ही जीरा क्रकल हो जाए तो साथ में मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है 1 चम्मच।
एक ही टेबलस्पून डाल दिया है मैंने इसमें उड़द की दाल। तो ये मेरे पास छिलके वाली दाल है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी उड़द की दाल यूज़ कर सकते हैं। तो जितना चना दाल डाला है उतना ही उड़द की दाल भी डाली है, और इनको हमें हल्की आँच पर यानी धीमी आँच पर एकदम इतना भुनना है कि ये बढ़िया से कुक हो जाएँ, लेकिन इनका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, डार्क नहीं होने चाहिए, इसलिए इनको धीमे धीमे से भुनना है। जैसे ये भुन जाएंगे इसमें थोड़े से करी पत्ते हम ऐड करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दाल आप अगर चने की नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन करी पत्ता बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे से इन सारी चीज़ों को भून लिया है, आप देखिए धीमी आंच पर भुना है, कलर किसी का भी चेंज नहीं हुआ है। अब बारी आती है इसमें प्याज डालने की, तो मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है, और छोटा छोटा सा इन सारे प्याज को हम इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर स्टफिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं आज बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा डोसा, उसके लिए ये स्प्रेड बना रही हूँ। और साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, 4 से 5 लहसुन और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा चटपटा एकदम हल्का सा खट्टा टेस्ट देने के लिए या तो आप नींबू डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच इमली डाली है बीज निकाल करके। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाए बिना पानी डाले, और धीमी आंच पर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने दें, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है और कोई मसाला भी नहीं डालना है। 1-2 मिनट के बाद ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इसको ठंडा कर लें और पीस कर इसका पेस्ट बना लें, चटनी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालिएगा 2-3 चम्मच इसको पीसने में, और पीस कर इसको साइड में रख लेंगे। और अब हम चेक करेंगे हमारा बैटर, लगभग 6 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, और आप देखिए कितना बढ़िया से फर्मेंट हुआ है, देख रहे हैं। और अभी थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो हम इसको हल्का सा फेटेंगे। जैसे ही आप फेटेंगे ना इसमें काफ़ी अच्छे से एरिएशन होगा, और बैटर हमारा हल्का एकदम लाइट फ्लफी हो जाएगा और एकदम स्मूथ भी, ये देखें। तो थोड़ी देर कलछे से आप इसको इस तरीके से फेंट लें, हाथों से भी फेंट सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं, आप इस बैटर से 15-20 तरह के नाश्ते बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, डोसा इडली बना सकते हैं, वो भी बिना सोडा के, बिना कोई इनो के, और एकदम फटाफट बनती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इडली तो इतनी नरम बनती है रुई की तरह कि बस मुँह में जाते ही घुल जाएगी, जो आप कितना भी इनो डाल लें और सूजी से बना लें वो इसके जैसी परफेक्ट नहीं बनती है। तो बैटर हमारा अच्छे से फिट गया है, अब हम बनाएंगे हमारी बहुत ही टेस्टी सी डोसे की रेसिपी। डोसा बनाने के लिए क्या करना है, आपको बैटर थोड़ा सा एक अलग बर्तन में निकालना है, इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और इस बैटर को थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि हर रेसिपी के लिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी पतली या गाढ़ी रखनी होती है, इसलिए हमने जो फर्मेंट किया हुआ बैटर बनाया है वो थोड़ा थिक बनाया है, ताकि हम अपनी रेसिपी के हिसाब से इसमें पानी डालें और इसको परफेक्ट बना लें। तो बस अच्छे तरीके से इनको घोल लीजिए, एकदम स्मूथ और फ्लोइंग इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें तैयार करना है, ये देखें। तो इतने बैटर से आप लगभग 2 से 3 लोगों के लिए डोसा बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आप अगर पालक के बनाना चाहते हैं तो पालक की प्यूरी डालें, लौकी के बनाना चाहते हैं तो लौकी की प्यूरी डालें, जो भी आपको इसमें चेंज करना हो टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। तो बैटर हमारा रेडी है, चलिए बना लेते हैं हमारा डोसा। तो उसके लिए मैंने एक तवा गरम किया है, थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर इसको पोंछ लिया है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और अब हम तैयार किया हुआ ये बैटर डालेंगे 2 कलछी, और बहुत ही हल्के हाथों से गोल गोल फैलाएं। आप पहली ही बार में एकदम परफेक्ट डोसा बना सकते हैं किसी भी तवे पर। अगर आप लोहे का तवा यूज़ कर रहे हैं तो उसको उसके ऊपर नॉर्मली आप एक तेल या घी वाला पराठा बना लें, तवे को अच्छे से साफ़ कर लें, यानी धोना नहीं है, किसी भी कपड़े से पोंछ लें और बस आप उस पर डोसा बना सकते हैं फटाफट से, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, आप गारंटी ले लो। अब जब ये अच्छे से सिक गया है तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल डाल सकते हैं, ताकि डोसा बढ़िया से क्रिस्प और एकदम गोल्डन हो जाए। अच्छी तरीके से तेल या घी को स्प्रेड कर लीजिए और फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे ये हल्का सा सिक जाएगा आप देखिए नीचे की लेयर एकदम अच्छे से गोल्डन हो गई है। तो तैयार किया हुआ प्याज की चटनी इसके ऊपर डालें, इस डोसे का टेस्ट ना बिल्कुल मैसूर डोसे की तरह आता है आप अगर इस चटनी के साथ बनाते हैं। वैसे आप इसमें पनीर की स्टफिंग, चीज़ की स्टफिंग, आलू की स्टफिंग, जो भी आपको पसंद आए, या फिर बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं प्लेन डोसा। ये देखें कितना परफेक्ट लग रहा है। इसको थोड़ा सा और क्रिस्प करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और सेक लें। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल यानी सॉफ्ट और थोड़ा सा क्रिस्प डोसा पसंद है, तो मैंने इस तरीके से बनाया है। देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है। सेम इसी तरीके से आप दूसरा बैटर भी इसके ऊपर डालें और इसी तरीके से सारे के सारे डोसे बनाकर रेडी करें। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर लिख के बताइएगा, ये डोसा बहुत ही शानदार लगता है। अगर इस बैटर से आप इडली बनाना चाहते हैं तो कुछ भी पानी नहीं डालना बैटर में, फटाफट से बैटर को इडली स्टैंड में डालें और बस उसको स्टिम कर लें, इडली एकदम रूई की तरह नरम बनेगी। तो मैंने इसको डोसे को सर्व किया है सेम प्याज की चटनी और नारियल की चटनी के साथ, और आप देखिए डोसा कितना ज़्यादा औसम बना है। जल्दी से आप भी इस बैटर को बनाइए, 5 से 6 दिन से ज़्यादा भी आप स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी को ढेर सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ रिलेटेड और भी नई नई रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी बैटर से मैंने पालक का भी डोसा बनाया था बहुत ही औसम चटनी के साथ, जिसका टेस्ट सभी को बहुत पसंद आया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ये डोसा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ये वेट लॉस रेसिपी है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।
एंड बाय बाय।